यहाँ एक दरवाज़ा ऐसा है जिसमें से होकर गुजरने से कहते हैं जन्नत नसीब होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी 2 बज रहे हैं रात के और मैं पहुंच गया हूं दिल्ली से अजमेर, और यहां पे बहुत बुरा हाल हो गया है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आज है बकरीद का दिन और यहां पे मैं आया हूं जन्नती दरवाज़ा एक देखने के लिए, क्योंकि ये साल में 4 बार ही खुलता है। अब रात में यहाँ कहीं रुकना नहीं है, सीधा दरगाह पर चलेंगे और वो भी पैदल। लेकिन वहाँ जाने से पहले नहाना पड़ेगा, थोड़ा सा नहा लूँ क्योंकि गर्मी से एकदम बहुत बुरा हाल हो गया है। एक बार मेरी शक्ल देख लो। तो फाइनली हम लोग 2 बजे रात को अजमेर पहुँच गए हैं। यहाँ सड़क पर काम चालू है, अभी रात को भी काम यहाँ पर हो रहा है क्योंकि सुबह बहुत भीड़ हो जाती है। जो भी इस दर पे आते हैं सबसे पहले यहाँ खड़े होके हाजिरी लगाते हैं, फिर अपना सामान वामान जमा करके फिर अंदर जाते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर और मैं आ गया हूँ अकबरी मस्जिद के सामने, और इंटर होने के लिए यहाँ पे 2 गेट हैं और ये इस गेट का नाम है निज़ाम गेट। इसको हैदराबाद के निज़ाम ने बनवाया था। चलते हैं इसके अंदर सीधा। यहाँ मैं आज बहुत सुबह सुबह आ गया हूँ क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे नमाज के बाद जो है 5 बजे जन्नती दरवाज़ा खुलता है, इसलिए थोड़ा मुझे जल्दी आना पड़ा। और मैं अभी 3 बज रहे हैं और 3 बजे मैं यहाँ पे एकदम टाइम पे आ गया हूँ। और अब 2 घंटे यहाँ पे थोड़ा देखेंगे इधर उधर, और जब जन्नती दरवाज़ा खुलेगा तो आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पर अभी साफ़ सफाई हो रही है। अजमेर शरीफ दरगाह में 2 डेग है, इन्हें बड़ी डेग और छोटी डेग कहा जाता है। बड़ी डेग बादशाह जहांगीर ने पेश की थी और छोटी डेग अकबर ने। तो पहले चलता हूँ छोटी डेग के पास। छोटी डेग में करीब 2400 किलोग्राम चावल एक बार में बन जाता है। ये डेग दरगाह का प्रबंधन नहीं चढ़वाता है, बल्कि अगर किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो वह इसे चढ़वाता है। छोटी डेग चढ़वाने में 50,000 रुपये और बड़ी डेग में 1,00,000 रुपये का खर्चा होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की खास बात यह है कि ख्वाजा पर हर धर्म के लोगों का विश्वास है। यहाँ आने वाले जो भी लोग होते हैं वो किसी मजहब के हों या फिर कुछ भी हों, ख्वाजा के दर पर दस्तक देने ज़रूर आते हैं। दूसरी तरफ है ये बड़ी डेग, और बड़ी डेग में एक बार में 2800 किलोग्राम चावल पकाया जाता है। बड़ी डेग को बादशाह जहांगीर ने पेश किया था और इसमें मीठा चावल बनता है जिसे जर्दा कहते हैं, क्योंकि कई जाति धर्म के लोग इस दरगाह पे आते हैं इसलिए ऐसा चावल बनता है जिसे सब खा सकें।
जिसमें जाफरान, मेवा, घी, शक्कर आदि डालकर रात भर इसे पकाया जाता है और दिन में लोगों को बांटा जाता है। और इसे चढ़ाने में एक बार में 1,00,000 रुपये का खर्च होता है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों को गरीब नवाज की दरगाह से सबक लेना चाहिए। ख्वाजा के दर पर हिंदू हो या मुस्लिम, किसी अन्य धर्म को मानने वाले सभी जियारत करने आते हैं। यहाँ का मेन त्यौहार उर्स कहलाता है, जो इस्लाम कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है। उर्स की शुरुआत बाबा की मज़ार पर हिंदू परिवार द्वारा चादर चढ़ाने के बाद ही होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम धर्म के एक ऐसे महान सूफी संत रहे हैं जिन्होंने इस्लाम के सूखते दरख्त को फिर से हरा भरा किया। जो गरीबों के मसीहा थे, खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे। जो दीन दुखियों के दुखों को दूर करते थे। जो पाप को पुण्य में बदल देते थे, वो अल्लाह के सच्चे बंदे थे। जिनके मानने वालों की एक विशाल संख्या, जिनको इस्लाम धर्म के लोग ही नहीं, हिंदू, सिख आदि सभी धर्मों के लोग मानते हैं। जिनके मानने वालों में राजा से लेकर रंग, नेता से लेकर अभिनेता तक, जो ख्वाजा गरीब नवाज की जियारत के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। जिनकी दरगाह आज भी हिंदुस्तान की सरजमी की को रोशन कर रही है। और मैं आ गया हूँ ख्वाजा के दरगाह के सामने, लेकिन अभी यहाँ पर गेट नहीं खुला है और सब लोग बैठ के दुआ कर रहे हैं। मैं भी बैठता हूँ, थोड़ी देर यहाँ दुआ करूँगा और थोड़ा वीडियो लूँगा, तो आप लोग देखते रहें। और अभी खुलने वाला है जन्नती दरवाज़ा, तो उसको भी लाइव मैं दिखाऊँगा आपको। अगर ख्वाजा साहब की मृत्यु की बात करें तो कहा जाता है कि 21 मई 1230 को ईसा की नमाज के बाद ख्वाजा अपने हुजरे का दरवाज़ा बंद किया। किसी को भी ख्वाजा के हुजरे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। हुजरे के बाहर ख्वाजा के सेवक हाजिर थे। रात भर उनके कानों में तिलावत कुरान की आवाज़ें आती रहीं। रात के आखिरी हिस्से में वह आवाज़ बंद हो गई। सुबह फजर की नमाज का वक्त हुआ, लेकिन ख्वाजा बाहर नहीं आए। सेवकों को फिक्र हुई, उन्होंने ख्वाजा को अनेक आवाज़ें लगाई व दस्तक दी। काफ़ी देर तक कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर हुजरे के दरवाजे को तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़कर जब सेवक अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ख्वाजा इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और उनके माथे पर कुदरत के यह शब्द लिखे हुए थे, ख्वाजा हबीबुल्लाह माता फिहुबुल्लाह। ख्वाजा की मृत्यु अजमेर शरीफ के लिए एक दुखद घटना थी। सारा शहर ख्वाजा के गम में आंसू बहा रहा था। ख्वाजा के जनाने में काफ़ी भीड़ थी। ख्वाजा के जनाजे में नमाज ख्वाजा के बेटे ख्वाजा फखरुद्दीन ने पढ़ाई और ख्वाजा को उनके हुजरे में ही दफन किया गया और वहाँ ख्वाजा का मज़ार बनाया गया, जिसकी जियारत करने आज भी ख्वाजा के चाहने वाले दुनिया भर से यहाँ आते हैं। अब वो मंजर नज़दीक आ गया है जिसके लिए इतनी देर से हम सभी को इंतज़ार था, और अब खुलने वाला है जन्नती दरवाज़ा और उसके लिए यहाँ पे दुआ की जा रही है। तो फिर आप बने रहिए और ज़ियारत करिए जन्नती दरवाजे का। और अंदर दरगाह के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मैं वहाँ की वीडियो नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कि मैं खुद में बहुत धार्मिक हूँ, हाँ, बट जहाँ जाता हूँ उनके रस्म और रिवाज को मानता हूँ, उसका आदर करता हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि खुदा या भगवान है या नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी पवित्र धार्मिक स्थान पर जाएं, तो एक सचेत मन से कदम रखें। अगर आप कॉन्शियसली एंटर करोगे तो सर्टेन एनर्जी फील कर सकते हो। दिया जलाना या अगरबत्ती जलाना सिर्फ इसलिए नहीं कि अल्लाह या भगवान को खुश करना है, बल्कि जलती लौ को देखना, कव्वाली या भजन सुनना, इट्स मैजिकल। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का यही वो जन्नती गेट है, मतलब जन्नती दरवाज़ा है, जिसमें से होकर गुजरने से जन्नत नसीब होती है।
यह दरवाज़ा साल में केवल 4 बार ही खोला जाता है। इस दरवाजे से गुजरने के लिए लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं। ख्वाजा साहब के खिदमतगर खादिम कुतुबुद्दीन सखी बताते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज इबादत के लिए इसी रास्ते को काम में लेते थे। ख्वाजा साहब को अल्लाह ने यह कहा कि जो लोग मक्का मदीना की ज़ियारत नहीं कर पाते, वह यदि इस दरवाजे से गुजर जाएंगे तो उनकी सभी दुआएं और मन्नतें कबूल होंगी। और लोग अपनी दुआ और मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, और अभी गेट यहाँ का खुला नहीं है और खुलने वाला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मुझे बहुत घूमना है यहाँ पे, और जितनी भी मज़ारें हैं लगभग लगभग मैं सब कवर करने वाला हूँ। कुतुबुद्दीन सखी ने यह बताया कि अल्लाह के इसी संदेश को ख्वाजा साहब ने अपने खिदमतगारों के ज़रिए अकीदतमंदों तक पहुँचाया। इसके बाद से दरगाह के जन्नती दरवाजे से होकर पवित्र मज़ार तक जाने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। खादिम कुतुबुद्दीन सखी ने बताया कि जन्नती दरवाज़ा खुलने का और बंद होने का भी एक निश्चित समय है। ख्वाजा साहब के उर्स में रजब माह की चांद रात से 6 रजब तक 7 दिन तक खुला रहेगा। इसके बाद रमज़ान माह की ईद को सुबह 5 बजे से लेकर 1:30 बजे तक खोला जाता है। ख्वाजा साहब के गुरु हजरत उस्मानी हारूनी के उर्स के मौके पर भी सुबह 5 बजे खुलकर 1:30 बजे बंद किया जाता है। इसी तरह बकरा ईद पर भी दरवाज़ा खोला जाता है। मन्नत पूरी होने पर मन्नत का धागा खोलने और शुक्राना अदा करने भी लोग यहाँ पे आते हैं। और अब सुबह 5 बजे जन्नती दरवाज़ा खुल गया है, और यहाँ पे जाने के लिए होड़ लगी है, और ऐसे ही लगातार अभी 1:30 बजे तक ऐसे ही भीड़ लगने वाली है, क्योंकि लोग ज़्यादातर लोग तो 7 चक्कर लगाने के चक्कर में रहेंगे, क्योंकि 7 चक्कर में उनका जन्नत जाना कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Bye-bye.